धनबाद के सिंदरी खाद फैक्ट्री में आज सुबह बॉयलर टेस्टिंग के दौरान ब्लास्ट होने से दो मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही पूरे फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई और घायलों को आनन फानन में जलान अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह 7:30 बजे मजदूर रोज की तरह काम करने गए थे और फैक्ट्री में बॉयलर की टेस्टिंग की जा रही थी। टेस्टिंग के दौरान बॉयलर ब्लास्ट हो जाने से यह घटना घटी है। घायलों के परिजन इस घटना के पीछे शक्ति प्रबंधक की लापरवाही बता रहे हैं। घटना के बाद कई मजदूर घायल होने की बात कही जा रही है। परिजन प्रबंधक पर बिना फोरमैन के बॉयलर की टेस्टिंग कराने का आरोप प्रबंधक पर लगा रहे हैं। क्या हुआ अभी? अभी बोलता है आदमी की दो आदमी मर गया। अच्छा, कैसे? कैसे मर गया? तो दो आदमी का तो आदमी को सब इकट्ठा होकर बोलना चाहिए ना, कैसे क्या हुआ। सेफ्टी का क्या, उन लोग का कोई व्यवस्था नहीं था? अब वो डिपार्टमेंट में हम लोग काम नहीं करते, आगे काम करते हैं। फोन किए थे हम तो जीएम साहब बोले कि दो आदमी का घटना है और माइनर चोट, एक को बताया कि दाहिना हाथ में जल गया है, एक को फेस जला, एक को कोई बोल रहा कि एक दिन में ड्यूटी आएगा कल से, और एक को बोल रहा है कि 2 दिन लगेगा। यही तो बात, तो अभी मैनेजमेंट साहब सबका हम स्पीकर ऑन करके सुनाए थे। अपने स्तर से आपने पता किया कि क्या घटना? जीएम साहब को आप फोन करें, आप किसको करें, उन्हीं उनका ये था रिकॉर्डिंग किए। अच्छा, मजदूर जो है उनसे संपर्क आपने किया काम? जो मजदूर अभी जलान में, हम रुपेश जी को फोन किए थे, जलान उनको है तो रुपेश जी बोला कि हम 10 मिनट में उनका रिप्ले कर देंगे। नीता जी किधर है? देखिए, अगर पत्रकार के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा था, ये कंपनी पहले नंबर की ये दुर्व्यवहार का कंपनी ही है, हम बोलना नहीं चाहते हैं। ये जितना भी आप यहाँ देख रहे हैं, जितना भी मजदूर है, क्या ये लोग को सही से पैसा मिलता है? मिलता है? हो भाजपा के द्वारा ही लगाई गई कंपनी है, भाजपा के द्वारा ही लगाई गई कंपनी है और इसमें आप लोग ही आरोप लगा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, भाजपा का कंपनी लगा हुआ है, उसका हम लोग वेलकम, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लोग उसमें ये नहीं कर रहे। तो फिर इसमें गड़बड़ी को, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि मैनेजमेंट अगर जैसे मजदूर का जो पैसा है, वो जो दिन भर मेहनत करता है, उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? हम इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं, मेरा बोलने का तात्पर्य है कि तो इस संदर्भ में आप लोगों द्वारा क्या किया जा रहा है ताकि मजदूरों को उसका सही भुगतान मिल सके? देखिए, एक अभी आप ही लोग सवाल किए थे कि मैनेजमेंट अभी पत्रकारों के साथ में बहुत सुलूकी किया है ना जी, तो ये कंपनी है, देखिए ये थोड़ा ऊपर ऊंचा है, लेकिन अगर मेरा बात आप सबों को यही बता रहे हैं कि यहाँ का जितना भी मजदूर है, चाहे शहर का हो गांव का, हम ये नहीं बता रहे, लेकिन मजदूर के साथ में यहाँ जो भी जैसे भी काम किया जा रहा है, ये लोग को सही पैसा ये लोग को नहीं मिल रहा। आप मजदूरों के लिए क्या करेंगे जी? अगर जरूरत अभी है, यदि अगर जैसे आज ये दुर्घटना हुआ तो हम लोग आए हैं, लेकिन ये मजदूर भी कहीं ना कहीं बेचारा ठेकेदार भी भाई दिखाता है ये लोग को कि अगर ये कहीं बात रखता है ना तो उनको निकाल देंगे। यानी शोषण किया जाता है, एकदम शोषण किया जाता है। नहीं तो आपके पार्टी के तरफ यहाँ का ठेकेदार लोग, सुनिए, मजदूर हित के लिए कुछ तो किया जाएगा। हम सुनिए ना, मजदूर लोग जो है ना बेचारा सब गरीब है, अपना 300-400 जो भी मिलता है उसी में चुप रहता है। मजदूर गरीब है, मतलब मजदूर चुप है, लेकिन आपकी आवाज नहीं, आपका क्या? हम तो ये चीज इसीलिए बोल रहे हैं ना कि यदि अगर ये लोग सभी एक जगह खड़ा हो जाए ना, जिस दिन वो दिन वो कंपनी नहीं चलेगा, मजदूर का सही सही मतलब पैसा मिलना, मजदूरों का सहयोग मिलेगा तो आगे जो भी होगा, बिल्कुल आगे जो जहां बोलेंगे वहीं हम आने के लिए तैयार है। लेकिन ये पहले मजदूर लोगों का कहे कि कष्ट में ठेकेदार लोग इधर उधर करके इन लोगों को ये कर रहा है, भरमा रहा है। किस तरीके का सहयोग चाह रहे हैं मजदूर की ओर से? मजदूर आज मान लीजिए काम तो हम भी ड्यूटी से आ रहे हैं तो हमको फोन किया कि भाई एक्सीडेंट हो गया, कैसे एक्सीडेंट हुआ ये हम लोग अभी तक मालूम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात, दुखद की बात है कि हो रहा है जो FCI में जो गलत तरीके से काम हो रहा है वहाँ पर, और ना ये गलत तरीका बहुत ही है, प्राइवेट कंपनियों के गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है, गलत बताइए। गलत ये हो रहा है कि जरूर कैसे उसको एक मतलब जो हम कोई जो अनप्रशिक्षित वाला जो लड़का को मतलब जो उसके पास सीनियर ना रह के मतलब जूनियर लड़का से काम करा रहा है वहाँ पर, जूनियर लड़का से करा, उसका फोरमैन क्यों नहीं उस जगह में मालूम था? वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट कहाँ था उस समय पर कि वो टेस्ट का क्यों नहीं कर रहा था वो चीज़ के लिए? कैसे एक्सीडेंट होगा? हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग भी देखते हैं पहले, उसके बाद काम करते हैं कि नहीं ये जगह। अच्छा, कौन सा प्राइवेट कंपनी काम करवा रही थी? ये पता नहीं सर, हम लोग का कौन सा प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन हर के अंदर में काम हो रहा है वहाँ प्राइवेट का एक। अच्छा, हर कंपनी वहाँ आए हुए हैं, वो जगह पे काम हो रहा है वहाँ। हुआ घटना ये?
ये घटना हम लोग सर अभी तक हम लोग को मालूम नहीं चला, लेकिन सुबह 8:30 से वो ड्यूटी गया, हम लोग भी ड्यूटी निकले हैं और उसके बाद फोन आ रहा है कि भाई का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर। ये भी क्लियर कर नहीं रहा है कि वो आपका किसका कौन आदमी है कहाँ का, वो कुछ नहीं क्लियर कर रहा है वहाँ का जीएम मैनेजर लोग क्यों नहीं क्लियर कर रहा है, क्यों नहीं मैसेज कर रहा है वहाँ के घर वाले को। लापरवाही से ये लापरवाही है वहाँ के जीएम मैनेजर को, पूरी लापरवाही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्र मंडल। घायल कौन कौन है जो? ये सर हम लोग अभी तक कुछ मालूम नहीं है, ना तो वहाँ से कोई स्टेटमेंट आ रहा है कि कितने आदमी घायल हो वहाँ पर। क्या फटा, कैसे आग लगी? कैसे आग लगी सर हम लोग को कुछ मालूम नहीं। अभी हम लोग डायरेक्ट हम लोग धनबाद में जॉब करते हैं, जो हम लोग देखने के लिए भाई को आए हैं। बोल सकता है ना जो वह अभी तक पेशेंट हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, पेशेंट कहाँ पर है हम लोग अभी तक देखने नहीं दिया गया। किसकी गलती है, किसकी लापरवाही मानते हैं? पूरा पूरी लापरवाही हर मैनेजमेंट की है, क्योंकि जब वह आपके अधीन व निर्माधीन हो रहा है तो ये इसमें जो सेफ्टी कॉज है उसका पूरा ध्यान हर मैनेजमेंट को रखना चाहिए। अगर इस अभी बनने से पहले स्थिति है तो इसका समझिए आने के बाद क्या होगा। आज 5 महीना पहले एक गो का डेथ हुआ है, अभी आज हम लोग को अभी तक स्थिति के वास्तु स्थिति का मालूम नहीं है। 6 आदमी का हम लोग सुन रहे हैं कि स्थिति गंभीर है, शायद 30-40% बोल रहा है, कोई 90% बोल रहा है जल गया। हम लोग मैनेजमेंट से चाह रहे हैं कि आके जवाब दे कि उन लोग का स्थिति क्या है, कहाँ पे उन लोग का इलाज कर रहा है वो बताए, ताकि हम लोग उसको जाके देखे, अगर कुछ नहीं हो रहा, उचित नहीं हो रहा तो हम लोग उसमें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। कितने मजदूर घायल हैं और कैसे घायल हुए हैं? अभी तक हम लोग को जो जानकारी है ऑथेंटिक पता नहीं है। 6 गो का अफवाह है, 2 गो का हम लोग को जानकारी मिला है जिसकी स्थिति अभी गंभीर है। कैसे घायल हुए हैं? टनल फटने से हुआ है, इसमें सेफ्टी का पूरा लापरवाही है, पूरा बिजली से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, टनल फटा है और उसमें आग लग गई है, इस कारण ब्लास्टिंग हुआ है और उसमें पूरा। आप क्या मांग करते हैं झारखण्ड सरकार हाल से? कि जो भी जो मजदूर का हुआ है उसका उचित पहले इलाज हो, उचित जगह पे इलाज हो, और सेफ्टी जो लोग गलत कर रहा है इसको सुधारे। आपकी सरकार चल रही है फिर भी इतनी लापरवाही है, इस पे आप लोग क्या कहें? हम लोग इस पे अपील कर रहे हैं कि इसमें जांच हो और इसका पूरा जो गलत हो रहा है उसमें कार्रवाई। ये बातें भी सामने आ रही है कि पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई है, ये हम लोग के सामने हुई है, हम लोगों ने भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से देखा है। शायद उनको हम व्यक्तिगत तो नहीं जानते, लेकिन जो सुनने में आए वो आवाज ही आज के पत्रकार थे, उनके ऊपर जो यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज थे उन्होंने धक्का मुक्की की है। तो उस पे क्या कहेंगे? इसमें हम घोर निंदा करते हैं कि अगर ये आप हर इसमें आप स्थिति का जायजा समझिए चीज को, ये समझने का बात है कि अगर ये लोग जो हम लोग का देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार, अगर उन लोग को लोग हाथ उठा रहे हैं तो बाकी श्रमिकों और बाकी आदमी के ऊपर ये लोग क्या करते होंगे।